उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं बीकॉम कॉम ऑनर्स छोड़ दूं क्योंकि उसे पढ़ना पड़ता था ज़्यादा बीकॉम में थे हाँ मैं बीकॉम ऑनर्स में था मैंने प्लस टू कॉमर्स अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स से की है अच्छा जी अब बी कॉम ऑनर्स में दिक्कत थी कि पढ़ना ज़्यादा पड़ता था पर मेरी वो फितरत थी नहीं उस समय और फिर मेरे आस सब लोग बोल रहे थे कि आई की तैयारी करेंगे तो मुझे लगा ठीक है मैं भी कर लूँगा आई की तैयारी आई ए एस की मुझे बहुत आइडिया नहीं था उस समय तक तो सबने कहा कि आई के लिए हिस्ट्री अच्छा रहता है तो मैंने फिर चेंज करवाया अपना बी कॉम ऑनर्स से हिस्ट्री ऑनर्स ये उसी समय की बात है जब राजीव गोस्वामी एम्स में इलाज चल रहा था उसी समय की बात है तो उस समय हालत ये थी कि पीतमपुरा में रहता था एक हॉस्टल था हमारा छोटा सा और जो एच थे उनसे साइन करवाना था चेंज करने के लिए वो साकेत में रहते थे मंडल कमीशन था कर्फ्यू था तो मैं पीतमपुरा से साकेत पैदल गया था <laughs> करीब पच्चीस किलोमीटर उस दिन पैदल का मतलब 90 परसेंट पैदल बीच में कोई स्कूटर वाला मिल गया तो लेफ्ट मिल गई थोड़ी सी ऐसे करते करते और फिर साइन करवा के फिर वापस आए फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ पढ़ा मैंने हिस्ट्री भी नहीं लेकिन हाँ हिस्ट्री में ये था कि पढ़ाई कम करनी पड़ती थी काम चल जाता था तो थर्ड ईयर में जब मैं आया तो मैं कॉलेज में इलेक्शन लड़ने की स्थिति में था प्रेजिडेंट का मतलब पॉपुलैरिटी मेरी इतनी थी कि मैं जीत जाता हूँ क्या वजह थी पॉपुलरिटी की मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ कॉलेज में भी डिबेटिंग सर्कल्स में पोइट्री में मंचों पे हर चीज़ में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना हो हर हर चीज़ में रहता था क्लास को छोड़ के क्लास के बाहर हमेशा एक्टिव रहता था दोस्त बहुत बन जाते थे मेरे और वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम थोड़ा सा भाव रहता है पॉलिटिक्स में मेरी छवि ये थी कि मैं एबीवीपी से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन कुछ कुछ छवि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिक्स में थी केंद्र में उदार दक्षिण उदार दक्षिणपंथी वाली थी तो मुस्लिम दोस्त भी लगभग कंफर्टेबल थे आज भी अच्छे दोस्त हैं लेकिन फिर उस समय कुछ ऐसा हुआ कि मुझे निर्देश मिला कि इलेक्शन नहीं लड़ना है तो मैंने फिर इलेक्शन नहीं लड़ा निर्देश विद्यार्थी परिषद की तरफ से मतलब कुछ ऐसे लोग जो वहाँ से भी कनेक्टेड थे और कॉलेज से भी थे सीनियर थे उन्होंने बताया कि रिस्क है लाइफ का और ये सही भी साबित हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति को इलेक्शन लड़वाया गया उसके बाद में चाकुओं से काफी मारा गया हालांकि वो जिंदा है और तीन चार दोस्त मेरे उस समय के जिनमें से तीन की मृत्यु हो चुकी है जो इलेक्शन जीते थे उस समय इसी तरह की घटनाओं में कहना मुश्किल है सामान्य मृत्यु तो तीन नहीं नहीं की मृत्यु हुई, हुई सामान्य किसी की भी नहीं हुई लेकिन ये सीधे कहना कि इलेक्शन की वजह से मरे मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन के काफी दिन के बाद मरे दो की हत्या हुई सरेआम एक की डीटीसी टी की बस में चाकू मार के फिर वो नीचे टायर के नीचे आ गया था एक को दिन में बारह बजे गोली मार दी गई थी भजनपुरा में बड़ा अच्छा डिबेटर था वो लड़का और जुर्म उनका ये था कि वो जाकिर हुसैन से अध्यक्ष जीते थे उनमें से हाँ वो दोनों जीते थे मुझसे अगले साल में जीते थे दोस्त थे मेरे दोनों काफी अच्छे दोस्त थे एक और था जो जिस साल मैं जीता जिस साल जो जीता था लड़का हमारा नियम था कि जो इलेक्शन जीतेगा वो प्रेजिडेंट जो हारेगा नंबर वन पे वाइस प्रेसिडेंट अच्छा तो जिसको हमने इलेक्शन लड़वाया अपने दोस्त को वाइस प्रेसिडेंट बना हार गया था इलेक्शन तो उसको खूब चाकू लगे थे इलेक्शन के एकदम बाद जो जीता था उसकी कुछ साल के बाद मृत्यु हुई अपोलो हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता कैसे हुई लेकिन कुछ दोस्त कहते हैं कि शायद कोई फैक्टर था ऐसा मुझे नहीं पता तो वो उस समय की पॉलिटिक्स में ऐसी चीज़ें ज़्यादा थी अब तो शायद बहुत साफ सुथरा है अब तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है वो